जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान गाजी आपके साथ है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कराची कैंट स्टेशन पर और आज यहाँ से फर्स्ट ट्रायल शुरू हो रहा है। और अभी देखें, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान की तारीख की सबसे बेहतरीन लग्जरी चाइनीज़ न्यू ट्रेन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोलर कार में और आपको दिखाता हूँ पोलर कार अंदर से इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। देखें, ये चेयर्स पूरी राउंड अबाउट घूम सकती है कि चार बंदे आराम से बैठ के बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जिंग स्पॉट है और जो मनपसंद आपको कोई भी प्रोग्राम लगाना है यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम दिया गया है। सामने कोई भी फिल्म है, मूवी है, नात है, कुछ भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर। हैंड फ्री लगाएं और अपना अपने कान में वॉकमैन वगैरह लगा लें और आराम से इसको सुन सकते हैं। बड़ी शानदार और लग्जरी कोच है ये और पोलर कार। अभी मैं आपको इसका पूरा ट्रेन का डिपार्चर दिखाता हूँ और उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखें, पूरी लग्जरी कोच है आपकी, ये बड़ी शानदार है, बड़ी VIP है। तो ये देखें, जहाज़ से भी मैं कदम बेहतरीन कोच है और इतनी शानदार है ये। फुल एसी, ठंडा का माहौल हो रहा है अंदर। इसके रूम बड़े प्यारे हैं, इसके अलावा वाशरूम है, इसके अलावा ऊपर सामान लगेज रखने का आपका सारा सिस्टम दिया हुआ है, फैंस दिए हुए हैं, ओवरऑल बहुत शानदार है। और पहले किसी टाइम में जो पुरानी है अपना एसी, अपना आपकी पोलर कार है, इसमें सामने की तरफ LED होती थी, अब ऐसा नहीं है। इन्होंने ऐसा यहाँ सिस्टम कर दिया है कि जो आपको देखना है ये देखिए टच स्क्रीन है, ये तेज़ करना है, स्लो करना है, आराम से आप कर सकते हैं। बहरहाल बहुत शानदार कोच है। आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान रेलवे की तारीख की सबसे खूबसूरत ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 7 से आ रही है और आपको पूरा इसका व्यू करवाऊंगा इंशाल्लाह। कोई ट्रेन आ रही है और मेरे ख्याल से ये कौन सी ट्रेन हो सकती है, क्या नाम मुझे नहीं पता। तकरीबन 19 कोचेस पर मुश्तमिल ये ट्रेन आई है और अलामा इकबाल हो सकती है ये, या किसी कोई मेरे ख्याल से वजूहत की वजह से इसको रोक दिया गया है यहाँ पर और तमाम लोग रुक गए हैं यहाँ पर इस वक्त। और इधर से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डाउन साइड पर जो ट्रेन आई है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रेन अलामा इकबाल है और इससे पहले अलामा इकबाल की टोटल कोचेस की तादाद थी वो 16 थी, लेकिन जैसे ही फ्लोट हुआ था अपना पाकिस्तान में ट्रेनें बंद की गई तो अब इन्होंने इसकी तादाद बढ़ा के 18 से 19 कर दी गई। ये आप देख सकते हैं पूरा। और अभी हम अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि कब ये ट्रेन यहाँ से डिपार्चर होगी। विसल दे दी गई है और अब यहाँ से देखें दोबारा इसको खासे सिग्नल का मिल गया है, शायद किसी वजह की इसको रोक दिया गया था। तो अभी आप ये देखें, हमारे जो देखने वाले हैं वो ये सोच रहे होंगे कि यार ये पुरानी कोचेस क्यों लगा दी गई। तो सर, इनका पावर वैन जो था वो जो न्यू तस का था वो किसी वजूहत की वजह से काम नहीं कर रहा था या वो मेंटेन नहीं हो पाया था, लेकिन आज इनका ट्रायल का आगाज़ था तो इन्होंने पुराने पावर वैन के ऊपर ही अपना इन कोचेस को रवाना कर दिया। और आज इसकी लीड पर लगा हुआ है GU 49055 और दो कोचेस पाकिस्तान रेलवे की पुरानी लगा दी इन्होंने आज, और बाकी 17 कोचेस इन्होंने चाइनीज़ लगाई हैं। तो तकरीबन 19 कोचेस पर ये मुश्तमिल ट्रेन है, इंशाल्लाह कोटली पहुँचेगी, कोटली से ये वापस भी आएगी और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कि कोटली से वापसी का भी आपको कहीं ना कहीं रास्ते में का एक सीन दिखाऊँ। देखें कितनी शानदार कोचेस हैं ये, इसका कलर देखें धूप में कितना शानदार लग रहा है ये। आप
आपको आवाज़ आ रही होगी कि इसकी जो स्मूथनेस है वो बड़ी शानदार है। ये भी आप देखें, थोड़ी सी आगे जाके मैं आपको इसका पूरा आगे से व्यू करवाता हूँ। देख सकते हैं आप, कितनी स्मूथनेस है इसके अंदर। तो फिर देखा आपने, ये था डिपार्चर इस वक्त चाइनीज से आई न्यू कोचिस का, जो माशाल्लाह बहुत शानदार था। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। होगा इंशाल्लाह, उम्मीद हुई अगर मौका लगा तो कल दोबारा आएंगे और इसका ट्रायल भी दिखाएंगे अंदर से बैठ के, क्योंकि आज ट्रायल देखा अभी आगे कोचिस को रोक दिया गया है। तो मज़ीद थोड़ा सा मौका लगता है तो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ, तो आप हमारे साथ चलिए। ये आप देखें, गाड़ी को शायद रोक दिया है आगे से सिग्नल लाइट। ये देखें पुल के नीचे से देखें आप, ये ब्रेक वैन है और ये गार्ड का डब्बा है। सर क्या हुआ था, गाड़ी रुक गई थी, चेक कर रहे थे। देखिए भाई चेक कर रहे थे, ये आप देखिए जूम करके किस तरह गाड़ी टर्न ले रही है। बहुत खूबसूरत लग रही है गाड़ी है आपकी। और वीडियो अपनी एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।